हेलो, नमस्कार। वेलकम वेलकम टू पार्थ एजुकेशन। सभी का स्वागत है पार्थ एजुकेशन में। मैं हूं कुमार कौशल और शाम के 6 बज चुके हैं। हमेशा की तरह से ये क्लास फिर से आप सभी के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आज के इस विशेष टॉपिक में जो सीरीज मैं पिछले क्लास में ले रहा था आपसे, जिसमें चित्रण माध्यम सिद्धांत और प्रविधियों के विषय पर आपसे डिस्कस किया जा रहा था, उसी बात को और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि आपके कला में, आपके चित्रण माध्यम में किस तरह की प्रविधियों का प्रयोग किया जा रहा है और कौन कौन से माध्यम का यूज किया जा रहा है। कई सारी क्लासेस हमने पिछली क्लास में आपसे डिस्कस किया था, जिसमें कला के सिद्धांत पर, कला के तत्व पर, इस तरह से कई सारे विषयों पर आपसे हमने डिस्कस किया था। अब सवाल ये है कि आज इसमें और क्या ऐसा हो सकता है, आज इसमें और क्या ऐसा हो सकता है कि जो अभी बचा हुआ है। जैसे हमने पिछली क्लास में आप सभी को ये बोला था कि यहाँ पे एक जो अच्छी बात ये है कि चित्रण सिद्धांतों को लेकर के, चित्रण माध्यमों को लेकर के अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। माध्यम और प्रविधियों को लेकर के भारतीय शिल्प शास्त्रों के अलावा जो वेस्टर्न कल्चर के या वेस्टर्न दार्शनिक रहे हैं, चाहे वो आर्टिस्ट रहे हैं या फिर पेंटर रहे हैं या आर्ट चिंतक रहे हैं, आर्ट थिंकर रहे हैं, उन्होंने इस प्रविधियों के बारे में अलग अलग चर्चाएं की हैं और समस्त प्रविधियों को उनके प्रयोग के आधार पर, मतलब पदार्थ के रूप में जो चित्र रचना के समय हम प्रयोग करते हैं, उनका किस तरह से चित्रण में यूज किया जाएगा, ये बखूबी आपको बताया गया है। और रंगों को मिश्रण करने के संदर्भ में, कला के भाषा में, उसे हम माध्यम कहते हैं और उसी माध्यमों के आधार पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए कुछ माध्यम और प्रविधियों पर आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे माध्यम और प्रविधियों की क्लास में एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ऑफलाइन की क्लास और ऑनलाइन की क्लास में नया बैच प्रारंभ हो चुका है। ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, दोनों माध्यम में अगर आप कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप पेड क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सोमवार से ऑफलाइन नया बैच शुरू हो रहा है और ऑफर फीस अभी है टीजीटी पीजीटी के लिए। अगर आप आना चाहते हैं तो आपको केवल 6500 में पूरे कोर्स आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। इसके अलावा हर संडे को होता है, हर संडे को टेस्ट सीरीज जो पहले आपकी चलती थी वो टेस्ट सीरीज फिर से शुरू हुई है। और ये टेस्ट सीरीज होगी सुबह में 8 बजे से। आप ध्यान रखेंगे कि सुबह में 8 बजे से टेस्ट सीरीज है। जो 10 बजे की टाइम, 9 बजे की टाइमिंग थी वो अब 8 बजे हो गई है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपको 8 बजे मिलेगी। टेस्ट सीरीज कितने बजे मिलेगी? 8 बजे प्रत्येक रविवार, मतलब 8 से लेकर के 10 बजे तक अगर आप सुबह में आते हैं संडे को, तो यह टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी हर संडे को 8 बजे। चूंकि 9 बजे आएंगे, 12 बजे जाएंगे आप, तो देर हो जाएगी, इस वजह से टाइमिंग बदल दी गई है। हाँ, 8 बजे आप आइए एकदम ठंडे मौसम में, और यहां से आप अपना, चलिए तो शुरुआत करते हैं माध्यम और प्रविधियों की। और इसके विषय में हमने आपसे विशेष वार्ता किया था, विशेष तरह की बातचीत की थी। तो सबसे पहले माध्यमों के संदर्भ में बात करेंगे या प्रविधियों के संदर्भ में बात करेंगे, क्या होती है प्रविधियां और माध्यम, किस तरह से कला विषय में आपको इसकी जरूरत है। तो चित्रण के माध्यम के तौर पर हम देखेंगे कि माध्यम क्या हो सकती हैं और प्रविधियां क्या हो सकती हैं, चित्रण माध्यम और प्रविधियां क्या होती हैं। यहाँ इसका जो उल्लेख मिलता है वो भारतीय शिल्प शास्त्रों में कला के लिए प्राविधिक ज्ञान आवश्यक बताया गया है। तो सबसे पहली चीज देखेंगे कि भारतीय शिल्प शास्त्रों में, भारतीय शिल्प शास्त्रों में, भारतीय शिल्प शास्त्रों में कला के लिए प्राविधिक ज्ञान आवश्यक माना गया है। कला हेतु प्राविधिक ज्ञान आवश्यक माना गया है। और इस समय
जितनी भी प्रविधियों का प्रयोग किया जा रहा है उसके आधार पर वह पदार्थ है, प्रयोग का आधार वह पदार्थ है जो चित्र रचना के समय रंगों को मिश्रित किया जाता है। तो प्रविधियों का मतलब जिस प्रविधि की हम बात कर रहे हैं चित्रण में, प्रविधि होती क्या है, प्रविधियों के प्रयोग का आधार वह पदार्थ है जो चित्र रचना के समय रंगों को मिश्रित किया जाता है, तो और इसी को हम माध्यम कहते हैं। माध्यम का मतलब क्या हो जाएगा, एक बार फिर से समझ लीजिए, प्राविधि का सीधा सीधा प्राविधि का मतलब क्या हो जाएगा कि जो प्रविधियां हैं उनके प्रयोग के आधार पर, प्रविधि हम कह सकते हैं कि प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर जो चित्र रचना में रंगों के मिश्रित करने के संदर्भ में यूज किया जाता है उसे हम प्रविधि या उसे हम माध्यम कहते हैं। यहां सवाल यह है कि माध्यम और प्रविधियों के संदर्भ में जो माध्यम बताया जाता है, ये माध्यम दो प्रकार से हो रहे हैं। ये माध्यम कितने प्रकार से आपको दिखेंगे, तो माध्यम हमें दो तरह से दिखाई देते हैं कि एक चीज तो होता है शुष्क माध्यम और दूसरा होता है आर्द्र माध्यम। एक होगा शुष्क माध्यम और दूसरा होगा आर्द्र माध्यम। शुष्क और आर्द्र, ये दो तरह से चीजें आपके सामने दिखाई देती हैं। ये जो शुष्क माध्यम है, ये आप अगर तकनीकी तौर पर इस पर विचार करेंगे तो यह भी आपको दो रूप में या दो प्रकार से या दो तरह से दिखाई देती है। एक चुरड़ित होता है, दूसरा पेस्टल होता है। चुरड़ित और दूसरा पेस्टल होता है। एक क्या होता है, चुरड़ित होता है, एक पेस्टल होता है। अब पेस्टल का मतलब जैसे पेस्ट बना करके और चुरड़ित का मतलब चूर्ण बना करके उसके बारीक बुरादे या बारीक बारीक उसका जो कड़ है उसके संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। चुरड़ित चीजों का ज्यादातर प्रयोग रंगोली में किया जाता है, जैसे हम जो रंगोली बनाते हैं, जैसे ये जो पहला वाला माध्यम है इसको समझिएगा कि इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, रंगोली में करते हैं, सांझी में करते हैं, चौक पूर्णे में करते हैं, सांझी चौक पूर्णा ये सब लोक कला के माध्यम हैं। और प्राचीन शास्त्रों में चित्रों की चुरड़ित पद्धति को ही धूली चित्र बोला गया है, मतलब इसी को हम डस्ट पेंट कह सकते हैं, डस्ट, या इसी को धूल चित्रण कह सकते हैं। धूली चित्रण का मतलब होता है कि डस्ट के फॉर्म में जिन चीजों का हम यूज कर रहे हैं, जैसे चूर्ण के माध्यम से हम जिसका यूज कर रहे हैं उसे हम कहते हैं कि जैसे चौक पूर्णे में हम क्या करते हैं, गुलाल का यूज करते हैं, कलर वाली भूसी का यूज करते हैं, आटे का यूज करते हैं, इस तरह से हम उसको रंगीन बना करके काम करते हैं। और ये जो धूली चित्रण की परंपरा है इसे हम भूमि पर ही करने की कोशिश करते हैं, मतलब इसकी जो सामान्य परंपरा है वो भूमि चित्रण के लिए मानी जाती है। किसके लिए, तो यह मेनली भूमि चित्रण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह भी जरूर ध्यान रखिएगा कि धूली चित्रण का ये जो परंपरा है वो एक तरह से भूमि पर चित्रण करने के संदर्भ में किया जाता है। एक विशेष बात, चूंकि जब लोक कलाओं की बात यहाँ पे हो ही रही है, तो बंगाल में एक पद्धति है लोक कला की जिसे आप कहते हैं अल्पना। बंगाल में क्या चलता है, अल्पना चलता है। अल्पना तो है एक लोक कला का माध्यम, अल्पना तो है एक लोक कला के रूप में यूज करने वाला। यह भी जमीन पर ही किया जाता है, जमीन ही सजाया जाता है, लेकिन यह शुष्क माध्यम में नहीं होता है। इसका जो माध्यम है वो शुष्क नहीं है, बल्कि क्या है,
ये गीला माध्यम है, अर्थात इसमें पानी मिला करके इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये माध्यम एक के अंतर्गत ही आता है। यही कारण है कि आपसे कई बार यह सवाल पूछ लिया गया है, आपकी परीक्षा में कई बार इस तरह का प्रश्न पूछ लिया गया है कि अल्पना कहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है और शुष्क माध्यम है कि गीला माध्यम है। अगर लोक कला है, चूर्णित के अंतर्गत ही शामिल है, तो लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि यह भी अन्य चूर्णित माध्यमों की तरह से सूखा ही प्रयोग हो रहा है। तो यह हमेशा आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी कि लोक कला में अल्पना में पानी मिला करके रंगों में और फिर उसको जमीन पर बनाया जाता है, मतलब टोटल काम धूलि चित्रों जैसा ही है, लेकिन इसमें हम जल अर्थात पानी का मिला करके प्रयोग करते हैं। अब एक बार फटाफट बता दीजिए। हाँ बिल्कुल पीयूष गंगवार जी, आपने कहा कि ये 2024 में जीआई टैग मिला है, बिल्कुल सही बात है। और इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में प्रयोग की जाने वाली लोक कला को सांची कला कहते हैं। बहुत सही, इसी तरह से आप लोग बने रहिएगा और जबरदस्त तरीके से आप लोग कमेंट भी करते रहते हैं, अच्छा लगता है। अब यहां देखिएगा, एक जैसे आपको पेस्टल रंग पूछा जाता है कि पेस्टल क्या है, तो पेस्टल माध्यम का जो पेस्टल रंग माध्यम है, यह आप पूछते हैं कि सर पेस्टल क्या होते हैं, कैसे हम पेस्टल का यूज करते हैं। तो पेस्टल वास्तव में यह कह सकते हैं कि एक तरह से सर्वशुद्ध और एक साधारण माध्यम है। यह सर्वशुद्ध, सर्वशुद्ध मतलब सबसे शुद्ध और सबसे साधारण माध्यमों के रूप में पेस्टल माध्यम को माना जाता है। बेसिकली यह शुष्क माध्यम के रूप में है। अगर इस तरह से आप देखेंगे तो यह शुष्क माध्यमों में गिना जाता है, शुष्क माध्यम के रूप में, या शुष्क माध्यम के रूप में हम पेस्टल रंगों के पेंटिंग्स को समझते हैं। इसके लिए आवश्यक यह है कि पेस्टल रंग करने के लिए जो कागज हम यूज कर रहे हैं, ये कागज थोड़ा सा खुरदरा होना चाहिए, मतलब रफ कागज का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो कागज का प्रयोग इसमें हम खुरदरा करते हैं। कागज कैसा होता है? खुरदरे कागज का प्रयोग पेस्टल रंगों में किया जाता है। इसका लाभ यह है कि जब हम पेस्टल रंगों को उसमें भरते हैं तो जो खुरदुराहट है या जो रफ उसका सरफेस है, वो इस कलर को अच्छे से सोख लेता है और जिससे आपका जो पेंटिंग है वो बहुत अच्छा दिखता है, वो बहुत अच्छे रूप से आपको दिखाई देता है। पेस्टल रंगों को धरातल पर अस्थायी करने के लिए फिस्टेपिक घोल लगाया जाता है, क्योंकि जिस तरह से हम पेस्टल का यूज करते हैं, सॉरी, पेस्टल रंगों को धरातल पर, धरातल का मतलब यहाँ चित्र धरातल से है, धरातल पर स्थायी जब किया जाता है, मतलब कि वो मिटे ना और एक लंबे समय तक बने रहे, तो इसके लिए फिक्सेटिव घोल का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी बने रहने के लिए फिक्सेटिव घोल का प्रयोग किया जाता है। फिक्सेटिव घोल का मतलब होता है कि एक ऐसे बाइंडर या फिक्सेटिव के रूप में हम इसका यूज करते हैं। पेस्टल रंगों में फिक्सेटिव के प्रयोग में सूखे रंगों का प्रयोग बेसिकली किया जाता है। यहां जो फिक्सेटिव यूज किया जाएगा, ये सूखे रंग होंगे। फिक्सेटिव के रूप में सूखे रंगों का प्रयोग किया जाता है। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सूखे रंगों का प्रयोग यहाँ पेस्टल में फिक्सेटिव के रूप में किया जाता है। इसी के अलावा, जैसे पेस्टल रंगों का जो प्रयोग आपको लगेगा कि पेस्टल रंगों के बारे में जानकारी या पेस्टल रंगों का प्रयोग किस तरह से आप समझेंगे, तो पेस्टल रंगों का जो यूज या पेस्टल रंगों के बारे में आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि पेस्टल रंगों का सफल प्रयोग 20वीं सदी से यूरोपीय कलाकार एडगार देगा ने शुरू किया था। इसका जो प्रयोग है ये कब से शुरू हो रहा है? तो 20वीं सदी से। कौन कर रहा है? तो पाश्चात्य कलाकारों के द्वारा किया गया। और कौन से पाश्चात्य कलाकार हैं? एडगार देगा, नाम क्या इनका? एडगार देगा है। तो ये जरूर बात ध्यान रखिएगा कि पाश्चात्य कलाकार जिसने पेस्टल रंगों का सफल प्रयोग किया 20वीं सदी में, वो कौन है? तो वो एडगार देगा है, जिसने इस माध्यम को अन्य माध्यमों में मिश्रित करके एक नया प्रयोग किया, एक नया प्रभाव उत्पन्न करने की कोशिश की। इसी के अलावा
जैसे जो तैल पिस्टल है, तैल पिस्टल और साधारण पिस्टल, साधारण पिस्टल रंगों की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है, अधिक स्थायी होता है। तो तैल पिस्टल जो है ये सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि बिना फिक्सेटिव के या कम फिक्सेटिव के यूज को के संदर्भ में भी, कम फिक्सेटिव का यूज करके भी हम देखते हैं कि यह हमारे लिए ज्यादा स्थायी और लंबे समय तक टिकने वाला एक माध्यम हो जाता है, इसलिए यहाँ फिक्सेटिव के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो पेस्टल माध्यम क्या है, इसके बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं और परीक्षा के रूप में किस तरह से आपसे प्रश्न बनेंगे, इस विषय पर भी हमने आपका नजर दौड़ाया और किस तरह से 20वीं सदी में इसका प्रयोग किया गया, इसके विषय में भी आपने जान लिया है। डियर स्टूडेंट, अब आप एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर इसके अलावा आपको लगता है कि और क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, तो उन माध्यमों के संदर्भ में, उन माध्यमों के संदर्भ में जरा सा ध्यान रखना कि इसके अलावा जैसे एक जल रंग से चित्रकारी के संदर्भ में आप जानते हैं कि जल रंग से भी चित्रकारी किया जाता है, तो जल रंग क्या हो सकता है, तरंग क्या हो सकता है, रंग के संदर्भ में जरूर ध्यान दिया करिए क्योंकि जल रंग से आपकी परीक्षा में जबरदस्त प्रश्न पूछते हैं। नंदिनी कह रही कि आज भी, आज मैंने आपको परचेज कर लिया, बैच में कब ऐड होंगे? अब तुरंत ऐड हो गए होंगे, वो ऑटोमेटिक होता है। आपने एप्लीकेशन पर बैच खरीदा और आप डायरेक्ट आपके एप्लीकेशन पर वो लाइव क्लासेस और आपका जो खरीदा हुआ परचेज कोर्स है वो दिखाएगा और आज ही से आप एप्लीकेशन पर लाइव हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज ये है आपको जानने के लिए बच्चों की, बताइए ये जो जलरंग है इसकी खोज कब और किसके द्वारा की गई है, ये दो प्रश्न आपके लिए सबसे ज्यादा एक्स प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। तो पहली चीज ध्यान रखना कि इसकी खोज 18वीं सदी में की गई है और पॉल सैंडबाई के द्वारा की गई है, पॉल सैंडबाई के द्वारा इसकी खोज की गई है। तो यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्यों, इसके बारे में जो खोज किया गया और इसके बारे में जो प्रयोग किया गया जल रंग के बारे में, यह अपने आप में एक बड़ी रही है। और इसकी खोज कहां पर हुई है, इंग्लैंड में हुई है, अर्थात जल रंगों का जो खोज है वो पॉल सैंडबाई ने इंग्लैंड में 18वीं सदी में किया था। जल रंग का प्रयोग मुख्य रूप से हम कागज पर करते हैं, अर्थात जल रंग से अगर चित्रकारी करना है तो इसके लिए जो पृष्ठभूमि है या सरफेस हमारा होता है ये मुख्यतः कागज पर इसका प्रयोग होता है, कागज पर प्रयोग की जाने वाली ये विधि है। इसके अलावा हालांकि कैनवास पर भी यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका जो यूज माना गया, सबसे ज्यादा इसका जो प्रयोग माना गया वो जल रंग का प्रयोग कागजों पर माना गया। और जल रंग चित्रण के लिए सेबल हेयर ब्रश का प्रयोग किया जाता है, जो सेबल नाम के हिरण से बनाया जाता है, ये सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। तो जल रंग से चित्रण करने के लिए, जल रंग से चित्रण करने के लिए सेबल हेयर ब्रश का मतलब यह सेबल नाम की एक हिरण है या प्रजाति की एक हिरण है, इसी के बालों से यह तुलिका अर्थात ब्रश बनाया जाता है और यही ब्रश इसके लिए सर्वोत्तम माना जाता है। आपसे बच्चों सवाल पूछा जाएगा कि बताइए कि जल रंग से चित्रकारी करने के लिए कौन सा तुलिका, कौन सा ब्रश सर्वोत्तम है, तो उसको क्या कहते हैं? ब्राइटनेस कम करेंगे जरा सा। सेबल हेयर ब्रश क्या कहेंगे, किसे कहेंगे? यहां से तो एकदम कम है, यहां से तो एकदम जीरो है।
तो सेबल हेयर ब्रश इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। कौन सा ब्रश? सेबल हेयर ब्रश सबसे अच्छा और सबसे उत्तम बन गया है। अब दिखाई देगा, कोई बात नहीं है, हमने बैकग्राउंड ही चेंज कर दिया है। आप जिस बात की शिकायत कर रहे थे वो बात ही आपकी कंप्लेन में दर्ज हो गई है और अब इस पर आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा, मुझे पक्का यकीन है। नहीं दिखाई देगा तो मैं कलर चेंज कर दूंगा, कलम चेंज कर दूंगा, लेकिन कैमरे से ब्राइटनेस अगर कम करेंगे तो हम कल्लू टाइप के दिखने लगेंगे, फिर आप कहेंगे कि आप कल्लू दिख रहे हैं। अब सब ठीक है, चलिए तो समझ गए हैं। ये जो जल रंग है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, ये तो हमने कह दिया, आपसे क्या कह दिया कि जल रंगों का क्या क्या माध्यम या क्या क्या चीजों का प्रयोग किया जा रहा है। खास बात यह सुनिएगा, ये जो जल रंग प्रयोग किया जा रहा है, जल रंग, ये जो रंग है ये किस माध्यम में मार्केट में उपलब्ध है। पहली चीज तो ये ट्यूब और टिकिया दोनों में आते हैं, ट्यूब में भी भर के आते हैं और ये टिकिया, टिकिया ये दोनों रूपों में आपको मार्केट में उपलब्ध हैं। और सवाल भी ये पूछा गया कि जल रंग मार्केट में किस फॉर्म में मिलते हैं, ट्यूब में भी मिलते हैं और टिकिया में भी मिलते हैं। देखो ये सब पढ़ाने की बात नहीं है बच्चों, आप कलाकार हैं, आप मार्केट से खरीदने जाते हैं, आप इस चीज को देखेंगे कि दोनों माध्यम में ये चीजें आपके लिए उपलब्ध हैं। इसलिए आवश्यक इस बात की आवश्यकता है कि आप इसको व्यवहार में भी समझते रहिए, व्यवहार में ही जानते रहिए। अच्छा, दूसरी बात, जल रंग से अगर आप चित्रकारी करने की तरफ सोच रहे हैं, अगर आप जल रंग से चित्रण करने जा रहे हैं, तो यहां मोटा और कड़ा कागज उपयुक्त होता है। मोटा कागज रहे और कागज थोड़ा सा कड़ा रहे, मोटा और कड़ा कागज उपयुक्त माना जाता है सबसे ज्यादा। जैसे उसके लिए क्या बोला था हमने, कौन से कागज का यूज किया जा रहा है, पेस्टल के लिए खुरदुरा कागज बताया था। यहां पे कौन सा कागज बता रहे हैं, जल रंग से चित्रकारी करने के लिए कागज मोटा हो और कागज थोड़ा सा टाइट हो। ऐसा क्यों कहा जाता है कि जैसे जब आप, जैसे जल रंग से चित्रकारी का एक बड़ा अच्छा माध्यम है और जिस माध्यम को हम लोग वास पेंटिंग के रूप में जानते हैं, जो चाइना से चल करके जापान, जापान से चल करके वो इंग्लैंड होता हुआ और फिर बंगाल पहुंचता है, और बंगाल में जो बंगाल शैली है वहां के कलाकारों में, अवनींद्रनाथ टैगोर के कलाकारों में एक अपना अलग छाप बनाता है, उसके सेंस में यहाँ पे देखा जाएगा। तो चूंकि इसमें हम धुलते हैं, जैसे वास पद्धति में आपने देखा होगा, आप में से कई सारे बच्चे प्रैक्टिकल भी करते होंगे, जल रंग की एक अच्छी विधा है जिसे आप वास पद्धति कहते हैं। जल रंग की एक अच्छी विधा है जिसे हम वास विधि कहते, मतलब जल रंग से वास विधि द्वारा चित्रकारी करना। जल रंग से कैसे? वास विधि के द्वारा। वास विधि का मतलब ये है कि जैसे हमने एक चित्र यहाँ पे कोई ड्रॉ किया, अब जहां भी हमें कलर की जरूरत पड़ती है हम वहां पे उसमें कलर भरते हैं। अब कलर हमने भर लिया है, कलर हमने भर लिया है, अब कलर भरा गया उसमें, अब हम यहाँ भरेंगे पानी, और पानी से ये निकाल करके पानी, इसको पानी से धुलेंगे पूरा, ठीक, पानी से धुल देंगे। अब पानी से हम इसको एक बार धुलेंगे, फिर उसको सुखाएंगे, लगेगा कि कहीं पर डार्क है, कहीं पर और लाइट होना चाहिए, तो उस चीज को हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, जहां पर डार्क और लाइट होगा उसको करने की कोशिश करेंगे। कहीं अगर टचअप की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा बहुत कलर अगर ज्यादा पानी में धुल जाएगा तो उसको फिर से बनाना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, फिर से वाश करना पड़ेगा। वाश पद्धति के रंग बड़े आकर्षक और जेन्युइन तो लगते हैं, लेकिन यह थोड़ा सा लंबी प्रोसेस है, लंबी का मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन फिर भी भारत में आधुनिक काल के शुरुआत के समय आप देखेंगे कि वास पद्धति के बारे में, वास पद्धति से कलाकृतियों को बनाने में एक बड़ा जबरदस्त समय लोगों ने जल रंग से ही अच्छे से चित्रकारी किया। जल रंग में डार्क टू लाइट की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है आपसे ना कि जल रंग की चित्रकारी किस तरफ से होती है, तो ये डार्क से लाइट की ओर, डार्क से लाइट की ओर
चित्रण किया जाता है। डार्क से लाइट की ओर इसको हम चित्र करते हैं, मतलब लाइट टू डार्क, सॉरी सॉरी, लाइट टू डार्क होना चाहिए भाई, लाइट टू डार्क, क्षमा चाहते हैं, लाइट टू डार्क। यहां हम लाइट टू डार्क, तो लाइट टू डार्क के रूप में हम यहां पे चित्रकारी करते हैं। जलरंग में लाइट टू डार्क के हिसाब से काम किया जाता है। यह भी डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जल चित्रकारी करने के लिए जब हम हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को सफेद छोड़ देते हैं, जहां पर भी लगता है कि हमें हाईलाइट दिखाना है वहां पे हम कागज को व्हाइट ही रहने देते हैं, और फिर धुलाई के दौरान थोड़ा बहुत रंग उस पे चढ़ता है। तो इस तरह से जल रंग के बारे में आपने देखा। एक चीज और आप समझिएगा, जैसे आपसे पूछा जाता है कि कौन से पारदर्शी रंग हैं, कौन से पारदर्शी विधि हैं और कौन अपारदर्शी है, अपारदर्शी। किसी किसी दिन मैं बताता हूं तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या क्या होता है। पारदर्शी मतलब ये जलरंग की दो श्रेणियां हैं। अगर जलरंग आप कर रहे हैं तो जलरंग करने के लिए, जलरंग से चित्रकारी करने के लिए दो श्रेणियां हैं। जलरंग से चित्रकारी करने के लिए ये दो श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी है पारदर्शी और दूसरी है अपारदर्शी। तो ये दो श्रेणियों में चर्चा की जाती है कि जलरंग की इसी दोनों श्रेणियों के माध्यम से चित्रकारी की जाती है। अब कौन सी पारदर्शी है, कौन सी अपारदर्शी है, कौन सी पारदर्शी है, कौन सी अपारदर्शी है, इसको समझना। पारदर्शी का मतलब होता है कि जो निचले वाले चित्र तल को दिखाए, ट्रांसपेरेंट हो। तो ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट कौन कौन से हैं, जैसे देखना, ट्रांसपेरेंट में सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलता है इसमें वाश का, माने वाश पद्धति जो बताया गया आपको, ये वाश है। उसके बाद अगर आप ग्लेजिंग का यूज कर रहे हैं तो ग्लेजिंग भी आपके लिए पारदर्शी माध्यम है। आला प्राइमा का यूज अगर आप करते हो, आला प्राइमा का अगर आप यूज कर रहे हैं, आला प्राइमा का मतलब यह है कि पूरे चित्र को एक ही बार में तैयार कर देना, तो आला प्राइमा में भी क्या है, पारदर्शी है। उसके बाद एक विधि है जिसे स्पॉजिंग कहते हैं, एक विधि क्या है, स्पॉजिंग कहते हैं, तो स्पॉजिंग भी पारदर्शी विधि है। फिर एक है जिसे आप कहते हैं वैराइगेटेड। तो ये सब कैसी विधियां हैं, ये सब कैसी प्रविधियां हैं, ये सब कैसे माध्यम हैं, ये पारदर्शी माध्यम है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताएं कि इनमें से फिर अपारदर्शी विधि कौन सी है। जैसे स्टेपलिंग आपने सुना होगा, स्टेपलिंग, तो स्टेपलिंग क्या है, आपकी अपारदर्शी है। स्कम्बलिंग क्या है, वो अपारदर्शी है। स्कम्बलिंग क्या है, ये भी अपारदर्शी विधि है। इसी तरह से ड्राई ब्रशिंग अगर आप कर रहे हैं, ड्राई ब्रशिंग ये भी आपके लिए क्या है, ये भी अपारदर्शी है। ग्वास और ओपेक ये सब अपारदर्शी विधि। बस इतना रट लेना बच्चों, किसी भी परीक्षा में अगर ये सवाल न फंस जाए तो कहना बहुत सुपर 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 से भी ऊपर, जबरदस्त कंटेंट है ये। समझ गए क्या पारदर्शी है, क्या अपारदर्शी है, आपने दोनों को अच्छे से समझ लिया है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि ग्वास क्या होता है, ग्वास का मतलब क्या है। अगर गोद मिश्रित अपारदर्शक रंग है जिसपे गोद मिला है, गोद मिश्रित अपारदर्शी रंग बराबर ग्वास, मतलब ऐसा अपारदर्शी रंग हो जिसमें गोद मिला देंगे तो उसी को ग्वास कहते हैं।
तो ये जलरंग के बारे में डिस्कस किया जा रहा। अच्छा एक बात और सुन लीजिए यहीं पे, जो पीछे अभी छूट गया था बताना तो वही था। अगर आप जलरंग से चित्रकारी करते हैं तो जलरंग से चित्रकारी करने के लिए तीन तरह के उपयुक्त कागज प्रयोग किए जाते हैं। जो यहाँ पे कागज वो मोटा वाला तो ठीक है, लेकिन इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे कागज यूज किया जा रहा है वो हम तीन भाग में या तीन तरह के समझ सकते हैं। पहला एक यूज होता कागज जिसे हम चिकना कागज कहते हैं, चिकना, ठीक, तो चिकने कागज का यूज होता है। उसके बाद मध्यम कागज का यूज होता, मध्यम, और मध्यम कागज के बाद क्या यूज होता है, मोटा कागज। मध्यम के बाद जैसे चिकना, मध्यम और मोटा, ये तीन प्रकार के कागजों का प्रयोग हम जल रंग में करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उपयुक्त जो कागज है वो कौन सा है, मोटा वाला कागज है। मोटा वाला कागज जो सबसे ज्यादा उपयुक्त हो, उपयुक्त माना जाता है, जो सबसे अधिक इसका प्रयोग किया जाता है, तो यह एक माध्यम के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। चलिए अब एक बार फटाफट बता दो कि पूरी बात आप लोग समझ चुके हैं। स्क्रीन शॉट लेना सर जी प्लीज हट जाइए, ठीक है, मैं एकदम से साइड से हट जा रहा हूं। जितना स्क्रीन शॉट लेना है घुमा घुमा के ले लीजिए आप लोग। ये स्कम्बलिंग है, ड्राई ब्रशिंग है, मैं बोलते रह रहा हूँ। वास ग्लेजिंग आला प्राइमा, ये स्पॉजिंग और ये वेराइगेटेड, उधर है टम्पलिंग है, स्कम्बलिंग है, ड्राई ब्रशिंग है, ग्वास है और ओपेक है। हाँ गम या गोद, यार वही बात है। चलिए आ जाइए, अब हम बात करते हैं आपसे तैल रंगों के विषय में। तैल रंग देखो, ये सब ऐसे माध्यम है ना कि हर परीक्षा में यहां से प्रश्न बनते हैं। तैल रंग का मतलब क्या है, ऑयल पेंटिंग, इसका मतलब क्या होगा, ऑयल पेंटिंग। अब ऑयल पेंटिंग किस माध्यम में, मतलब इसका समय क्या है, आप जानते हैं कि 14वीं चाहे 15वीं सदी में इसके प्रयोग के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। अर्थात ये मध्यकालीन चित्रण पद्धति है, मध्यकालीन पद्धति इसको माना जाता है। मध्यकाल में ही इससे चित्रण की परंपरा का विकास हुआ। ये पद्धति का चित्रांकन अस्थाई है, तो पहली चीज ध्यान रखेंगे कि यह एक अस्थाई विधि है। इसको आप एक बार बना देंगे तो ये लगभग सदियों सदी पड़ी रहती है और इसमें चमक बरकरार रहती है। यूरोप में इसका सबसे ज्यादा प्रचलन दिखाई देता है, ये सबसे व्यापक है और इसकी जो चमक है, ये चमक इसकी बनी रहती है और इस वजह से यूरोपीय कलाकारों का यह सबसे प्रिय माध्यम है। यूरोपीय कलाकार सबसे ज्यादा इसी तैल रंग के माध्यम में काम करते हैं। अब सवाल यह है कि इसका विकास या आविष्कार किसके द्वारा किया गया तैल रंग का, तो इसकी खोज हुई है नीदरलैंड में। कहां पे इसकी खोज हुई है, नीदरलैंड में। नीदरलैंड को हम हालैंड के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, हालैंड को, इसको नीदरलैंड को हम हालैंड के नाम से जानते हैं। और यहीं पर 14वीं सदी कहीं कहीं मिला है 15वीं सदी, तो ध्यान रखिएगा दोनों समय को लेकर के परेशान ना होना। यहां पे जानवान आइक बंधु हैं, जिसको हम आइक बंधु के नाम से जानते हैं, आइक ब्रदर्स, और आइक ब्रदर्स में जानवान आइक का नाम मिलता है, जानवान वान आइक, इनके द्वारा तैल रंग का विकास किया गया, तैल रंग का आविष्कार किया गया और इसकी खोज हुई। तो तैल रंगों का जो प्रयोग हम करते हैं, तैल रंग मतलब ओपी ऑयल पेंटिंग, ये डार्क टू लाइट होता है। ये कैसे चलता है, इसका प्रयोग हम डार्क टू लाइट करते हैं, जबकि जल रंगों का प्रयोग कैसे बताया गया है, जल रंगों का प्रयोग हम लाइट टू डार्क करते हैं। यह सवाल जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि यहां से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में जबरदस्त तरीके से पूछे गए हैं। सवाल यह है कि ऑयल पेंटिंग तो ठीक है, चलो हम ऑयल पेंटिंग मानते हैं कि बड़ी अच्छी और बड़ी लोकप्रिय विधि है,
फिर सवाल ये है कि ऑयल पेंटिंग करने के लिए जो उपयुक्त माध्यम है वो कौन सा माध्यम सर्वोत्तम माना जाता है? तो इसका एक आंसर आप लिख लेना बच्चों, कैनवास। आपसे पूछा जाता है कि सबसे उपयुक्त माध्यम इसके लिए क्या होगा। जैसे जल रंग के लिए हमने क्या बताया है, जल रंग के लिए बताया कि जो मोटा पेपर होता है वो सबसे उपयुक्त है। उसी तरह से इसके लिए क्या यूज किया जाता है, कैनवास का यूज किया जाएगा। कैनवास इसके प्रयोग का सर्वोत्तम चित्र भूमि मानी जाती है। तैल रंग के चित्रण के माध्यम के रूप में जो टर्पेंटाइन ऑयल है और लिंसिड ऑयल है, माने तारपीन ऑयल और अलसी के तेल का प्रयोग किया जाता है। अगर हम कहीं पर भी पेंट करने के लिए ऑयल का यूज करते हैं तो इसमें सिंपली ऑयल पेंट का प्रयोग तो कर ही रहे हैं, ऑयल पेंट का यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ हम ले रहे हैं यहाँ पे लिंसिड ऑयल। लिंसिड ऑयल माने तार, इसके बाद फिर क्या है, एक एक तो तारपीन तेल मिलेगा आपको। लिंसिड, लिंसिड का मतलब क्या होता है, अलसी का तेल, अलसी का तेल। और प्लस में इसमें क्या ले रहे हैं हम लोग, ऑयल पेंट में लिंसिड ऑयल मिला रहे हैं, माने अलसी मिला रहे हैं और तारपीन मिला रहे हैं, तारपीन, तारपीन टाइल कहते हैं। यही दो मिला करके हम ऑयल पेंटिंग की तैयारी करते, मतलब ऑयल पेंट अपना बनाते हैं, जिससे से कि वह स्मूथ और चमकदार का प्रयोग चमकदार रूप में आपके दिखाई देने लगे। कैनवास में यहाँ जैसे हमने कहा ना कि कैनवास का प्रयोग किया जा रहा है, तो बेसिकली कैनवास किस तरह का यूज किया जाएगा, यहाँ जो कैनवास यूज किया जा रहा है वो कैनवास किस प्रकार का होगा। तो कैनवास देखो, या तो यहाँ पे कॉटन मतलब सूती कपड़े का कैनवास हम प्रयोग कर सकते हैं, या फिर लेनिन के कपड़े का, लेनिन के कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं। तो कैनवास सूती या फिर लेनिन कपड़े का जो बनता है ये सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है इस तैल पेंटिंग में। लेनिन कपड़ा होता है और कॉटन का भी कपड़ा होता है, मतलब कॉटन का सबसे अच्छा जो रूप माना जाता है वो सूती है या फिर लेनिन है, या तो इन दोनों के मिश्रित धागे का बनाया गया कोई कैनवास है। ठीक, समझ लेना कि या तो इन दोनों का मिश्रित हो या इन दोनों का मिश्रण हो, या तो फिर सूती कपड़ा हो या फिर लेनिन का कपड़ा हो या फिर दोनों का मिश्रण हो, इन्हीं के प्रयोग से हम इसका तैल रंगों का प्रयोग करते हैं। सवाल यह है कि ये जो ऑयल पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग करने के लिए, ऑयल पेंटिंग मैं ओपीओपी लिख रहा हूं, आप इसको ऑयल पेंटिंग पढ़ेंगे, इसके लिए कौन सा ब्रश सबसे ज्यादा यूजफुल है? तो इसके लिए हॉग हेयर के, हॉग हेयर ब्रश का प्रयोग किया जाता है। हॉग हेयर का मतलब होता है सुअर, हाँ सुअर के बालों का बनाया गया ब्रश, सुअर के बालों का बनाया गया ब्रश सबसे ज्यादा इसका प्रयोग होता है, जिसे हॉग हेयर कहते हैं। ये ऑयल पेंटिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ है। हॉग हेयर ऑयल पेंटिंग के लिए, ओपी के लिए सर्वश्रेष्ठ ब्रश है। यह भी आपसे पूछा गया है प्रश्न कि बताइए कौन सा सर्वश्रेष्ठ ब्रश होगा, तो हाग हेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक बार फटाफट सारे के सारे लोग बच्चे कमेंट कर दो कि बात जितना बताया गया है सब समझ में आ गया है, या किसी लल्ले को, किसी बच्चे को कोई भी बात ऐसी है जो नहीं समझ में आ रही है। जवाब देंगे कि इन पूरी बातों में क्या लग रहा है आपको कि कौन सी बात ऐसी है जो नहीं समझ में आई है। मैं साइड भी हो जा रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट करना वो कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए बात सभी को समझ में आ रही है, इस बात की आप सभी को बधाई है। अब एक चीज और सीख लो जरा सा, जब हम तैल रंग पर बात आपसे कर ही रहे हैं, एक बात और सीख लो। ये बात क्या है, पहली चीज तो तैल में हम डीपर का प्रयोग करते हैं। तैल रंग में किसका प्रयोग करते हैं, डीपर का प्रयोग करते हैं।
आपसे पूछा जाता है कि डीपर का प्रयोग किसमें किया जाता, तो तैल रंग में। बाकी कुछ मत समझना, सिर्फ इतना जानना कि डीपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो डीपर का प्रयोग तैल रंग में किया जाता है। इसमें कौन कौन सी चित्रण तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा, कौन कौन सी चित्रण तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा समझिएगा जरा सा, कौन कौन से चित्रण तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। ऑयल सॉरी तैल रंग से चित्र बनाने के लिए जो तकनीकी हम प्रयोग करते हैं वो स्क्रबलिंग करते हैं, ड्राई ब्रशिंग करते हैं और ब्रोकन कलर करते हैं। स्क्रबलिंग स्क्रबलिंग, दूसरा जो ड्राई ब्रशिंग है जिसके बारे में पहले ही चर्चा किया हमने, ड्राई ब्रशिंग है, और इसी तरह से तीसरा है ब्रोकन कलर। ब्रोकन कलर, तो तैल रंग में हम इन तीन तकनीकों का प्रयोग करते हैं। आपने सुना होगा कि चीड़ के पेड़ से लीसा को तारपीन का तेल जो प्राप्त होता है, इसमें जो तारपीन का प्रयोग किया जाएगा, पहले ही हमने बताया कि इसमें तारपीन का तेल मिलाया जाता है। और तारपीन का तेल किस चीज से प्राप्त होता है, एक चीड़ नाम का पेड़ होता है, चीड़। इस चीड़ पेड़ के या वृक्ष के जो लीसा होता है, जो लासा कह सकते हैं, उससे तारपीन आयल या तारपीन तेल का प्रयोग किया जाता है। यही लगे हाथ एक चीज और सीख लीजिएगा कि तैल रंगों में अगर आप तैल रंग से प्रयोग कर रहे हैं और साथ ही साथ तैल रंग में आप मोम भी मिला देंगे, मतलब इन दोनों का मिश्रण आप प्रयोग करेंगे, इन दोनों का मिश्रण अगर आप प्रयोग करते हैं तैल रंग और मोम का, तो यही दोनों को एक साथ लगाने की प्रक्रिया एनकास्टिंग कहलाती है। एनकास्टिंग क्या बोलते हैं हम इसको, एनकास्टिंग बोलते हैं। और आपसे सवाल पूछा जाता है कि एनकास्टिंग की जो प्रक्रिया है ये किस में यूज किया जाता है, तो ये आपके तैल रंग और मोम रंगों को मिला करके जो तकनीकी प्रयोग हम करते हैं चित्रण में, उसे हम एनकास्टिंग के रूप में जानते हैं, एनकास्टिंग के रूप में आपको समझाते हैं। क्लियर है? हाँ, चीड़ का पेड़, वही बात है पीयूष गैंगवार। अब जरा सा लगे हाथ ये भी समझ लेना कि ये तैल रंग के बाद एक्रेलिक जो सबसे लेटेस्ट समय माना जाता 20वीं सदी में, संडे पेंटर्स ने फ्रांस में जिस माध्यम का सर्वप्रथम यूज किया, खोज किया 20वीं सदी में, एक्रेलिक पेंटिंग का, इसको कर लीजिए, फिर एक्रेलिक पेंटिंग पर डिस्कस करते हैं। ना तो आप लोग लाइक करते हैं, ना ही आप लोग शेयर करते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर आप लोग क्या करते हैं। एक बार बच्चों मैं आप सभी को फिर से सूचना दे दूं कि ये जो क्लास आप ले रहे हैं ये स्पेशल डेमो क्लास के रूप में आप सभी को दिया जा रहा है, और यह एक सामान्य क्लास होगी, मतलब साधारण क्लास के रूप में मैं दे रहा हूं। विशिष्ट क्लास हम ऐप पे पढ़ाते हैं, इसमें जो और माध्यम है और बढ़िया से चीजों को हम एक्सप्लेन करते हैं अपने एप्लीकेशन पर, यह एक सामान्य आपको परिचित कराया गया। दूसरी बात, कला विषय की तैयारी करने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन आप हमारे पेडबैच से जुड़ सकते हैं, और इसके लिए आपको हमारा पार्थ एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से।
और फिर आप हमारे आर्ट वाले सेक्शन में जा करके जिस भी बैच में चाहते हैं टीजीटी या फिर पीजीटी या फिर नेट या अदर किसी परीक्षा की तैयारी के लिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसी तरह से आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो बच्चों टेस्ट सीरीज को मैंने आते ही बताया, एक बार ऑन कंफर्म कर दूं क्योंकि डेट बदली है। डेट का मतलब समय बदला, टाइम बदला है। ये टाइमिंग अब सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक आपको मिलेगी। सुबह 8 बजे आप आएंगे तो 8 से 10, ये जो पहले 9 बजे से चलता था वो 10 बजे से चलेगा, सॉरी 8 बजे से चलेगा। तो 8 से लेकर के 10 ये टेस्ट सीरीज आपको हर संडे को मिलेगा ऑफलाइन में सुबह 8 बजे से। कितने बजे से? 8 बजे से, है ना, सुबह 8 बजे से आपको मिलेगा। तो आप इसमें आइए हर रविवार को और इस क्लास को और बेजोड़ और खास बनाइए ताकि आप अपने मूल्यांकन को अच्छे से कर पाइए। आप अपना मूल्यांकन ठीक से करके अपनी तैयारी का एक तरह से अंदाजा लगा पाइए कि अभी तक जो आपने किया है, अभी तक आपने जो पढ़ा है वो बेहतर है कि नहीं है, क्या कमियां रह गई हैं, उसे सुधार करने का एक मौका आप सभी को यहाँ मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। जैसी भी आपको लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए। और इसे होगा कुछ नहीं, एक रेटिंग मिलती है कि आपने कमेंट किया है और हमें पसंद नापसंद किया है, क्योंकि अब समय है नहीं, अब क्लास हमारी एप्लीकेशन पर होती है। तो जो भी लोग एप्लीकेशन पर हैं वो लोग एप्लीकेशन पर आ जाएं। किसी ने पूछा था कि सर हमने पेमेंट कर दिया है, अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो आप जुड़ जाएंगे। अगर खुद से आपने किया है तो बड़े आसानी से आप क्लास को परचेस कर चुके हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं सभी का वेलकम है, जुड़ेंगे, निराश नहीं होंगे, हमेशा आपको जुनून का एहसास होगा। तो आज की पब्लिक क्लास में इतना ही, कल शाम को 6 बजे फिर से मिलेंगे इसी तरह से किसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, या फिर मिलेंगे हम लोग किसी प्रैक्टिस के क्वेश्चन के साथ। आज के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।